ठीक है, एंड नो बैटरी कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट टर्मिनल। जब किसी भी तरीके की बैटरी इसमें कनेक्टेड नहीं होती है तो कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट टर्मिनल, मतलब किसी भी तरीके की बैटरी कनेक्टेड नहीं होती, ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी अनबायस्ड स्टेट। मतलब अगर किसी भी तरीके की बैटरी कनेक्टेड नहीं है ट्रांजिस्टर में, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, अनबायस्ड स्टेट या अनबायस्ड ट्रांजिस्टर बोला जाएगा। इन्हें ओपन सर्किट स्टेट, और इन्हें ये क्या है, एक ओपन सर्किट है। सिंपल सी बात है, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, इसे ओपन सर्किट काम करेगा, क्या करेगा, ओपन सर्किट होगा, क्योंकि कोई बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाए। इन दिस कंडीशन द डिफ्यूजन और चार्ज के लिए, मतलब जैसे जैसे हमने डायोड में देखा था, जैसे हम पी एन जंक्शन को करेंगे तो चार्ज की कुछ इधर से उधर क्या होते थे, डिफ्यूजन होता था, चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, वो होल्स इधर से इधर जाते थे। ये क्या था, ये होती थी चार्ज दोनों में क्या होता था, लेवलिंग बराबर करने के लिए क्या होता था, डिफ्यूजन होता था इधर से उधर। जंक्शन प्रोड्यूस टू डिप्लेशन रीजन, जैसे हम पीएनपी या एनपीएन को करेंगे तो टू डिप्लेशन रीजन बन जाएंगे एकदम ही, तो एकदम क्या बन जाएंगे, टू एक क्वेश्चन आपका यहीं से मिलेगा आपको एक क्वेश्चन, क्या कहते हैं, कितने डिप्लेशन रीजन बनती है बीजेटी में, एमसीयू में, तो कौन सी बनती है, दो डिप्लेशन रीजन बनती है, ठीक है। द बैरियर पोटेंशियल फॉर ईच ऑफ दीज टू डिप्लेशन, जो बैरियर पोटेंशियल होता है जहां से इलेक्ट्रॉन होल्स इधर से उधर पास हो सके, वो कितना होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। बट थ्री रीजन है डिफरेंट डोपिंग लेवल, पर हमें ये भी पता है कि तीन रीजन है, तीन रीजन की डोपिंग यानी उनमें इम्प्योरिटी क्या है अलग अलग मिलाई गई है, सो दी डिप्लेशन वेट आर नॉट द सेम। तो हमें यह पता लगेगा अगर डोपिंग लेवल अलग अलग है तो उनकी विड्थ भी क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी, ठीक है, क्योंकि दो जंक्शन की विड्थ भी क्या होंगी, अलग अलग होगी, सिंस इमीटर हैज हैवली डॉप, क्योंकि हमें पता है इमीटर हैवी डॉप है और जो बेस है वो लाइटली डॉप है, और कलेक्टर क्या है, बिटवीन दैन दोनों, ठीक है। द इमीटर बेस डिप्लेशन रीजन विड्थ इज स्मॉलर दैन दैट द कलेक्टर, तो इससे कहते हैं, अगर देखो हमने डायोड में पढ़ा था तो डोपिंग लेवल ज्यादा है तो डिप्लेशन लेयर क्या बनेगी, पतली बनेगी, तो इमीटर बेस की डिप्लेशन रीजन क्या बनेगा, छोटा बनेगा, जबकि कलेक्टर दिखा तो क्या है, इमीटर बेस डिप्लेशन रीजन विड्थ इज स्मॉलर, मतलब इमीटर बेस की जो डिप्लेशन लेयर है छोटी बनेगी, जबकि कलेक्टर और बेस की डिप्लेशन रीजन क्या बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक। मोबाइल का मतलब होता है, ये हम सबको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाईली मोबाइल मोबिलिटी होती है उनमें, किसके होल्स के अपेक्षा, क्योंकि होल्स कब क्रिएट होते हैं, जब वहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाता है, ठीक है। अब ये अनबायस्ड का क्या है, एक डायग्राम है, क्योंकि इमीटर है, बेस है, ये इमीटर है, ये बेस है, ये क्या कलेक्टर है। अब हमने क्या है, इसमें अनबायस्ड कर रखा है, इसे कोई बैटरी नहीं जोड़ रखी है, तो हमने जैसे एनपी, जब हमने पी एन जंक्शन बनता था, जब पी एन जंक्शन बनता था तो P में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, होल्स ओके, तो मेजोरिटी क्या होते हैं, होल्स, और N में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो देखिए N की तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होंगे ना, P से N की और N से P की डिफ्यूज होने चालू होंगे, तो इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या बन जाएगा, निगेटिव। आपको ये नहीं पता कैसे बनाया था, पहले लेक्चर देखिए कि पीएन डायोड किस तरीके से काम करता है, ठीक। यहाँ पे एक पीएन डायोड है, देखिए एन पी एन जंक्शन है, एक सिंगल डायोड है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, इस रीजन को देखिए, इससे इधर इधर का रीजन को, रेड वाले से लेफ्ट का रीजन देखिए, तो ये क्या है, पी इंजेक्शन डायोड है, देखो ये केवल पी इंजेक्शन डायोड दिख रहा है, तो वहां पे पीएन में क्या होता था, होल्स होते थे पर उनमें चार्ज कौन सा आता था, निगेटिव आता था, क्योंकि क्यों आता था, देखो जब इलेक्ट्रॉन होल्स क्या करते हैं, पी में क्या आता था, क्योंकि उसमें एक क्या था, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती थी, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती थी, तो वहां दूसरे इलेक्ट्रॉन आके पुट हो जाएगा, तो उसमें क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव, और दूसरे में क्या आया, पॉजिटिव, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव, क्योंकि एन साइड है, और ये इसमें क्या आया, नेगेटिव, तो यहाँ पे दो जंक्शन बन गए, इमीटर बेस डिप्लेशन रीजन, और यहाँ पे क्या बन गया, कलेक्टर बेस डिप्लेशन रीजन, ठीक है, ये दो रीजन बन गए यहाँ पे। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, इमीटर बेस डिप्लेशन रीजन कहाँ बनता है, ठीक है, मतलब बीजेटी बनता है, कलेक्टर बेस कहाँ बनता है, वही बीजेटी बनता है। फिर पूछेगा कि किस तरफ की डिप्लेशन रीजन बिट जो है ज्यादा बड़ी होती है, तो आप क्या बताएंगे, जहां डोपिंग लेवल, ऐसा पूछेगा, जहां डोपिंग लेवल क्या होती है, ज्यादा होगी, वहां डिप्लेशन बिट क्या बनेगी, कम बनेगी, जहां डोपिंग लेवल कम होगी वहां डिप्लेशन बिट क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, तो बिट किस तरफ ज्यादा बनेगी, कलेक्टर बेस रीजन में डिप्लेशन बिट क्या होती है, ज्यादा बनती है। बायसिंग, अब बात करते हैं बायसिंग, किस तरीके की बायसिंग होती है हमारे ट्रांजिस्टर में, ठीक है।
किस किस तरह की बायसिंग को हम ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। ठीक है, दो तरह की बायसिंग हम यूज करते हैं किसमें, ट्रांजिस्टर में। अब हम बात करते हैं बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर यानी कि अगर बायसिंग कहने का मतलब है कि जब इसमें वोल्टेज सोर्स लगा हो तब ट्रांजिस्टर किस किस तरीके से बिहेव करेगा उसकी बात करते हैं। When a DC voltage are applied across the different terminal of a transistor, मतलब जब हम DC voltage को transistor के भिन्न भिन्न terminal पे यानी कभी meter base collector पे apply करते हैं तो ये process क्या कहलाता है, biasing कहलाता है। तो ये process क्या कहलाता है, biasing कहलाता है। तो आपसे एक MCQ में पूछ लेगा what is the meaning of biasing, यानी biasing का अर्थ क्या है। तो biasing का अर्थ क्या है, ये सब MCQ बनता है। बायसिंग का अर्थ क्या है, वोल्टेज को अप्लाई करना बीजेटी के डिफरेंट टर्मिनल पर। ठीक है, तो क्या कहलाता है बायसिंग। ये एमसीक्यू को छोटे तरीके से पूछेगा पर आपको एक लाइन के रूप में याद रखना है। ठीक है, सिंस देयर आर टू जंक्शन इन ए ट्रांजिस्टर, मेनली देयर आर दो जंक्शन है ट्रांजिस्टर के, नेम इमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। सिंस देयर आर टू जंक्शन इन ट्रांजिस्टर, नेमली इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर, दो जंक्शन है सबको पता है। ईच ऑफ दी टू जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस, मतलब दोनों जंक्शन एक फॉरवर्ड बाइस होगा एक नेगेटिव फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड कहने का मतलब है कि देखो पीएन जंक्शन क्या होता था, पी में पॉजिटिव और एन में नेगेटिव, तो मतलब एक फॉरवर्ड बाइस रहेगा तो इनसे फॉरवर्ड बाइस कहेंगे, एक अदर रहेगा नेगेटिव तो उसे कहेंगे रिवर्स कनेक्शन आएंगे, यानी कि पी में नेगेटिव और एन में पॉजिटिव तो उसे कहेंगे रिवर्स बाइस। देयरफॉर देयर आर फोर पॉसिबल वे टू बायसिंग दीज टू जंक्शन। ठीक है, दो चार पॉसिबल वे हैं इन बायसिंग करने के। These possible way are called mode of operation of transistor. इन पॉसिबल वे कितने कहते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक, दी डिफरेंट मोड नीचे लिस्ट दी गई है, इसके हिसाब से क्या है मोड ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट क्या है कि दोनों जंक्शन क्या हो, एक फॉरवर्ड वाइज हो एक क्या हो रिवर्स वाइज हो, एक क्या हो फॉरवर्ड वाइज हो एक क्या हो रिवर्स वाइज हो, तो ये क्या रीजन कहलाएगा, एक्टिव रीजन। एक क्या हो फॉरवर्ड वाइज हो, दूसरा क्या हो रिवर्स वाइज हो, तो ये रीजन क्या कहलाएगा, एक्टिव रीजन। अब देखिए कैसे, देखिए ये क्या है, एक बीजेटी हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें ये इमीटर होता है, ये वाला इमीटर एन होता है बेस टर्मिनल है, ये वाला क्या होता है पी होता है, ये वाला क्या टर्मिनल एन है, ये क्या होता है कलेक्टर रीजन होता है। तो देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड वाइज कब होगा, यानी पी पे पॉजिटिव एन पे नेगेटिव, तो जब इसके इमीटर बेस के मध्य वोल्टेज जब बेस में क्या हो पॉजिटिव हो और इमीटर में नेगेटिव हो तब कैसा होगा फॉरवर्ड वाइज, और दूसरा क्या है रिवर्स वाइज। देखो ये भी एन है, ये क्या है पीएन होगा तो फॉरवर्ड वाइज होगा, अगर माना कहने का मतलब यहाँ पॉजिटिव होता तो ये क्या होता फॉरवर्ड वाइज, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये क्या होगा रिवर्स वाइज, तो क्या हो गया रिवर्स। ऐसे हम सब में इस तरीके से ही होगा, समझ लेते हैं फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज, यानी एक्टिव फॉरवर्ड रिवर्स आपको याद रखना, ये उसी तो एमसीक्यू बनेगा आपका, सीधा पूछेगा फॉरवर्ड वाइज अगर कॉमन बेस इमीटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड वाइज है और कलेक्टर बेस जंक्शन अगर रिवर्स वाइज है तो किस वो किस रीजन में काम करेगा। ठीक है, उसका कौन सा क्षेत्र होगा जिसमें वो काम करेगा, उसका कौन सा रीजन होगा एक्टिव क्षेत्र। और दूसरा क्या फॉरवर्ड अगर दोनों ही फॉरवर्ड है, अगर दोनों ही फॉरवर्ड है तो क्या आ जाएगा सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन मतलब ना इसकी वैल्यू घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है, अब तीसरा रीजन है एक वो रिवर्स एक वो फॉरवर्ड, दोनों ही रिवर्स, चलो दोनों ही रिवर्स देख लेते हैं तो क्या है कट ऑफ, दोनों ही रिवर्स हैं तो कट ऑफ, एक रिवर्स हो एक फॉरवर्ड हो तो इन्वर्टेड मतलब काम ही नहीं करेगा। ठीक है, चार्ज इंजेक्ट ही नहीं होंगे तो आउटपुट कहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या है फॉरवर्ड रिवर्स एक्टिव, फिर आता है फॉरवर्ड सैचुरेशन, फिर आता है रिवर्स रिवर्स कट ऑफ, फिर आता है रिवर्स फॉरवर्ड इन्वर्टेड। तो याद हो गया आपको पहला कैसे याद रखना है फॉरवर्ड, पहला याद रखना फॉरवर्ड रिवर्स एक्टिव, फिर याद रखना आपको फॉरवर्ड सैचुरेशन, फिर आपको याद रखना है रिवर्स फॉरवर्ड में क्या होता है क्या कहते हैं कट ऑफ, फिर आ जाएगा रिवर्स फॉरवर्ड इसमें क्या है इन्वर्टेड। ठीक, अब हम धीरे धीरे सब केस के बारे में जानेंगे शुरू से लेके अंत तक क्या क्या कैसे काम करते हैं। सबसे पहला रीजन आपका एक्टिव रीजन, इन दिस मोड मतलब इस रीजन में मतलब इस मोड में कब कौन सा फॉरवर्ड रिवर्स यानी फॉरवर्ड रिवर्स, इन दिस मोड में क्या होता है जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, यानी कहते इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर ये वाला इमीटर और बेस जंक्शन क्या होता है फॉरवर्ड वाइज होता है, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है रिवर्स, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है रिवर्स वाइज होता है। ठीक, द बैटरी वीईबी, जो बैटरी ईबी है वीईबी यानी वीईबी, ईबी का मतलब है इमीटर टू बेस,
emitter to base is connected between emitter and base. So they make emitter base junction in forward wise. जिस कारण से ये जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। किस हिसाब से देखेंगे?